यार मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग भी पत्रकारिता करते हो यार, हद कर दी आप लोगों ने यार। भाई चिमचागिरी मत करो, खुदा के लिए मैं माफी चाहूं भाई, बात करो जो करने की है। हाँ तुम भी डीटीवी वाले की तरह कर रहे हो, उसने भी न्यूज चला दी मेरी, उसका तो साथ साथ पीढ़ियों से लेना देना नहीं है। अरे यार ऐसी न्यूज को देखते क्यों, ऐसे भड़वाओं की न्यूज को। मेरा ताऊ का लड़का है एक, मेरी मौसी का लड़का है, मुझे पता है बेटा डीटीवी वाला अगर तेरे घर से मरता तुझे पता चलता भड़ुए, तेरे अंदर हया नहीं थी, तेरे अंदर इंसानियत नहीं थी जो तूने ये नीचे चलाई है। वो इस्माइल नीम का कहाँ का है? तो यही चिमचागिरी है, ये चिमचा है, कोई पत्रकार भी पकड़ रखे हैं इनने दो चार पांच। तो मैं कहना चाह रहा हूँ मेवात की आम जनता से मेरो साथ दियो, नासिर और जुनैद को इंसाफ दिलाओ, मेवात के 100 युवा मान आज 6 महीना पहले रात हुई हो अगौन में, एक मासूम बच्ची बाप को, बाप को नाम कहाओ मुबारक उसके बाप का नाम है, और मेरा रिश्तेदार है वो, भूपी के लड़के का साला है वो, उसको वही फिरोजपुर पुलिस झिरका जो नासिर और जुनैद की बॉडी के लिए कहती है कि ले जाओ जला दो, जिसने मेरे भाइयों को जलवा दिया वही फिरोजपुर सीआई है, और एक जैन है, क्या नाम है, मनीष जैन है चेयरमैन, उसने कह दिया कि दफनवा दो। वह मामला ये हुआ कि कल पंचायत जुड़ी थी और उस बेटी वाले को इतना मारा पंचायत में, इतना मारा कि बहन चोद तुझे मैं करता हूँ, उसने कहा ये करता हूँ, फलान करता हूँ, ढिकान करता हूँ, पंचायत के सामने पीटा गया है। मतलब एक आदमी ने इतना मारा उसको, वो आदमी जान से मर चुका, और फिर पुलिस प्रशासन ने उसको दफनवा दिया। अरे ये कैसा अन्याय है, कैसा है कट्टर सरकार, कब तक चलाओगे ये कारोबार?